बुधनी के लोगों के पास जाने के लिए मुझे किसी भी टिकट की आवश्यकता नहीं है। मेरे नाम को आगे बढ़ाया, पैनल तक पहुंचाया का फैसला जो पार्टी ने ने दिया है वो एकदम उचित है। और जहां तक मेरा सवाल है पैनल में नाम जाने का, इस इच्छा के साथ काम नहीं किया कि मुझे कभी टिकट मिले। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की परंपरागत विधानसभा सीट बुधनी से बीजेपी ने विदिशा के पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर टिकट की रेस में शिवराज के बेटे कार्तिकेय का नाम भी शामिल था। अब भार्गव को टिकट मिलने के बाद कार्तिकेय की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि दादा रमाकांत भार्गव पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी ने उन्हें टिकट देकर सही फैसला किया है। भोपाल में कार्तिकेय सिंह चौहान ने मीडिया से कहा, मैंने कभी भी इस मंशा के साथ काम नहीं किया कि मुझे कभी टिकट मिलेगा। बुधनी के लोगों के पास जाने के लिए मुझे किसी टिकट की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले एक आम कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, अभी भी करता रहूंगा। कार्तिकेय ने कहा, हम लोग एक विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत इच्छाएं मायने नहीं रखती हैं। अगर कुछ मायने रखता है तो वह है विचार, जो पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को एक माला की तरह पिरोकर रखता है। इसी विचार के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। कार्तिकेय ने कहा, मेरे लिए सच में इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता कि पार्टी के मेरे उन सभी कार्यकर्ताओं ने मेरे नाम को आगे बढ़ाया और पैनल तक पहुंचाया। इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात नहीं हो सकती है। मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं एक वचन देना चाहता हूं, जिस प्रकार से बुधनी का चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पार्टी लड़ती आई है, उसमें जरा सी भी कमी नहीं होगी। उससे ज्यादा ताकत के साथ रमाकांत भार्गव के नेतृत्व में बुधनी विधानसभा का चुनाव हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। कार्तिकेय सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा एक वैभवशाली, शक्तिशाली और ऐसे देश का निर्माण करने जा रही है जिसे दुनिया देख रही है। डबल इंजन की सरकार का नेतृत्व जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मोहन यादव प्रदेश में नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में टिकट दादा रमाकांत भार्गव को जब मिल जाता है तो ये तीन तीन इंजन लग जाते हैं। कार्तिकेय ने कहा, रमाकांत भार्गव भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनके नेतृत्व में हमने कई चुनाव लड़े हैं। मेरे जन्म से पहले भी पार्टी चुनाव लड़ती आई है। वे अनुभवी व्यक्ति और अनुभवी राजनेता हैं। मैं मानता हूं कि बुधनी का जो फैसला किया है वह एकदम उचित है। उनके साथ साथ कई हमारे ऐसे नेता हैं जो मुझसे ज्यादा योग्य और जो मुझसे ज्यादा डिजर्विंग हैं। मैं यह भी जानता हूं कि वो सब दादा के नाम की घोषणा के साथ साथ स्वयं जुटने वाले हैं। जैसे पहले मैं चुनाव में काम करता आया हूं, वैसे अब भी मैं उसी ताकत और ऊर्जा के साथ लगूंगा। मेरा यह लक्ष्य है कि कैसे मेरी विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारत की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाएं। उपचुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है, 13 तारीख को वोटिंग है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूं कि हम सब जुट जाएं और दादा के नेतृत्व में एकजुट होकर चुनाव लड़ें। मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बुधनी सीट से पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि विजयपुर सीट से वन मंत्री रामनिवास रावत को टिकट दिया गया है। दोनों सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक वैभवशाली, शक्तिशाली, एक ऐसे देश का निर्माण कर रही है जिसे आज दुनिया देख रही है। डबल इंजन की सरकार जहाँ एक तरफ नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ नेतृत्व आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। ऐसे में टिकट आदरणीय दादा रमाकांत भार्गव जी को जब मिल जाता है तो तीन तीन इंजन लग जाते हैं। आदरणीय दादा रमाकांत भार्गव जी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके नेतृत्व में कई चुनाव हमने लड़े हैं। मेरे जन्म से पहले भी चुनाव लड़ती आई है पार्टी, अनुभवी व्यक्ति हैं, अनुभवी राजनेता हैं। और मैं मानता हूं कि बुधनी का नेतृत्व का फैसला जो पार्टी ने दिया है वो एकदम उचित है। उनके साथ साथ कई ऐसे हमारे नेता हैं जो मुझसे ज़्यादा योग्य हैं। और जहां तक मेरा सवाल है पैनल में नाम जाने का, देखिए, मैं ने कभी भी इस मंशा के साथ या फिर इस इच्छा के साथ काम नहीं किया कि मुझे कभी टिकट मिले। बुधनी के लोगों के पास जाने के लिए मुझे किसी भी टिकट की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय दादा रमाकांत भार्गव जी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके नेतृत्व में कई चुनाव हमने लड़े हैं। मेरे जन्म से पहले भी चुनाव लड़ती आई है पार्टी, अनुभवी व्यक्ति हैं, अनुभवी राजनेता हैं। और मैं मानता हूँ कि बुधनी का नेतृत्व का फैसला जो पार्टी ने दिया है वो एकदम उचित है। ये भी जानता हूँ कि वो सब दादा के नाम की घोषणा के साथ साथ स्वयं जुटने वाले हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है पैनल में नाम जाने का, देखिए, मैं ने कभी भी इस मंशा के साथ या फिर
इस इच्छा के साथ काम नहीं किया कि मुझे कभी टिकट मिले। बुधनी के लोगों के पास जाने के लिए मुझे किसी भी टिकट की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए सचमुच में इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता कि पार्टी के मेरे उन सभी कार्यकर्ताओं ने मेरे नाम को आगे बढ़ाया, पैनल तक पहुंचाया। इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात नहीं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है।